तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आवास फाइनेंसियर्स के स्टॉक के बारे में। आवास फाइनेंसियर्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के बाद भी स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.20% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से भी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1453 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1412, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1381 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1341 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1487 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1593, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1650, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1725 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1800, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1900 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।